A very good morning to all of you. Myself Safia, and I again welcome you all in your history class lecture 4th. Okay, so students, hum chapter 9 the making of the national movement 1870s to 1947 discuss kar rahe hain, theek hai? And last video mein humne discuss kiya tha ki Indian National Congress kab form ki gayi aur Indian National Congress ke important leaders kaun kaun se hain, theek hai? So इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म होने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्होंने अपनी डिमांड्स गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचाई, ये हम पढ़ेंगे आज, ठीक है? सो लेट स्टार्ट. अ नेशन इन द मेकिंग. कांग्रेस इन द फर्स्ट 20 इयर्स वाज मॉडरेट इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स. अगर हम शुरुआत के 20 सालों की बात करें तो जो लीडर्स थे कांग्रेस के वो काफ़ी मॉडरेट्स थे, ठीक है? मॉडरेट मीन्स उनके काफ़ी नरम विचार थे, वो बहुत आराम से अपना काम करवाना चाहते थे, वो गवर्नमेंट के सामने अपने डिमांड्स को बहुत शांतिपूर्वक तरीके से रखना चाहते थे, ठीक है? सो ड्यूरिंग दिस पीरियड इट डिमांडेड, उन्होंने कौन कौन सी डिमांड की? ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियन इन द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट में इंडियंस को भी बोलने की पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए, ठीक है? द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू बी मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव गिवन मोर पावर. विधानसभा में जो इंडियंस हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करना चाहिए और इनको उनको भी इक्वल पावर मिलनी चाहिए जो कि ब्रिटिशर्स इन्जॉय कर रहे हैं, ठीक है? ये कांग्रेस के जो मॉडरेट लीडर्स थे वो डिमांड कर रहे थे किससे? गवर्नमेंट से. सो नेक्स्ट, इट डिमांडेड दैट इंडियंस शुड बी प्लेस्ड इन हाई पोजिशन इन द गवर्नमेंट, कि इंडियंस को हाई पोजिशन मिलनी चाहिए, ठीक है? चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो जॉब्स हो, हर एक फील्ड में जो इंडियंस हैं उनको हायर पोजीशंस पे अपॉइंट करना चाहिए. ये डिमांड थी कांग्रेस लीडर्स की ब्रिटिश गवर्नमेंट से. ओके, इट कॉल्ड फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन इंडिया एज वेल, नॉट जस्ट इन लंडन. सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसको एट प्रेजेंट टाइम्स हम UPSC का एग्ज़ाम भी बोलते हैं, ठीक है? इस एग्ज़ाम से IAS ऑफिसर का सिलेक्शन होता है. IAS ऑफिसर होता है ना, उसका सिलेक्शन होता है ज़िला अधिकारी, ठीक है? सो उस टाइम जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन था वो सिर्फ लंदन में होता था, तो कांग्रेस के लीडर्स की डिमांड थी कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है वो इंडिया में भी होना चाहिए. ओके, डिमांड फॉर इंडियनाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ए पार्ट ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट रेसिज्म, ठीक है? जो कांग्रेस के लीडर्स थे, जो इंडियंस थे, वो किसकी डिमांड कर रहे थे? वो इंडियनाइजेशन की डिमांड कर रहे थे. इंडियनाइजेशन मींस वो चाहते थे हर एक फील्ड में, हर एक जगह इंडियंस को अपॉइंट करना चाहिए. क्या करना चाहिए? इंडियंस को अपॉइंट करना चाहिए, ठीक है? और जो ये सारा इंडियनाइजेशन की डिमांड कर रहे थे कांग्रेस लीडर्स, वो क्या था? वो एक मूवमेंट थी किसके अगेंस्ट? रेसिज्म के अगेंस्ट, जातिवाद के अगेंस्ट, ठीक है? क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट जॉब्स वर मोनोपलाइज्ड बाय द वाइट ऑफिशियल्स. क्योंकि उस टाइम पे जो हायर पोजीशंस की जो इंपॉर्टेंट जॉब्स थी उन पे किसका अधिकार था? वाइट ऑफिशियल्स का, अंग्रेज़ों का. अंग्रेज जो थे वो हायर पोजीशंस पे अपॉइंट थे, वो इंडियंस को क्लर्क की जॉब दे देते थे, छोटी मोटी जॉब्स ऑफर कर देते थे, पर हायर पोजीशंस जो हैं उन पे ब्रिटिशर्स खुद काम करते थे, ठीक है? वो सोचते थे कि इंडियंस जो हैं वो काम की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा नहीं पाएंगे, इसीलिए वो इंडियंस को लो पोजीशंस पे अपॉइंट करते थे और खुद हायर पोजीशंस पे अपॉइंट होते थे. ओके, इसीलिए जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो किसकी डिमांड कर रहे थे? इंडियनाइजेशन की. और कौन कौन सी डिमांड थी? रिपील ऑफ आर्म्स एक्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. रिपील मीन्स ऑफिशियली जो आपने आर्म्स एक्ट, जो आपने हथियारों के खिलाफ एक्ट पास किया गया है, उसको ख़त्म किया जाए, ठीक है? और हर एक इंडियन को फ्रीडम मिलनी चाहिए कि वो अपने विचारों को प्रकट कर सके, वो अपने विचारों को सबके सामने रख सके. ओके, कुछ इकोनॉमिक इश्यूज रेज किए गए इंडियंस द्वारा. इंडियंस ने कहा ब्रिटिश रूल लेड टू पॉवर्टी एंड फेमाइन, कि ब्रिटिश रूल की वजह से जो इंडिया है वो गरीबी की तरफ जा रहा है, ठीक है? फेमाइन की तरफ जा रहा है. फेमाइन होता है अकाल, कमी. इंक्रीज इन द लैंड रेवेन्यू हैड इम्पॉवरिश्ड पीजेंट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेन्स टू यूरोप क्रिएटेड शॉर्टेज ऑफ फूड, कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो लैंड रेवेन्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं, लैंड पे टैक्स लगाए जा रहे हैं,
ठीक है, जिसकी वजह से जो गरीब है, पीजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, गरीब हो रहे हैं, इम्पॉवरिश्ड होता है गरीब। और जो ब्रिटिशर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं ग्रेन्स का यूरोप में, ठीक है, इसकी वजह से इंडिया में क्या हो रहा है, शॉर्टेज हो रही है, कमी हो रही है खाने की। ठीक है, और क्या डिमांड कर रहे थे, ठीक है, जो कांग्रेस लीडर्स हैं ब्रिटिशर से, उन्होंने कहा रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, कि जो आप रेवेन्यू कलेक्ट करते हो गरीबों से, इंडियन से, उसको कम किया जाए। कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, जो आप मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर खर्चा कर रहे हो उसको ख़त्म किया जाए। डिस्पाइट बींग अ बॉडी ऑफ एजुकेटेड एलाइट, कांग्रेस डिड नॉट टॉक ऑन ओनली ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रोफेशनल ग्रुप्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, जमींदार एटसेट्रा, दे ऑल्सो रेज द डिमांड्स ऑफ द पोअर पीपल। ठीक है, एजुकेटेड एलाइट मीन्स अभिजात वर्ग, ठीक है, सुपीरियर ग्रुप। अभिजात वर्ग होने के बावजूद भी, एक सुपीरियर ग्रुप होने के बावजूद भी, जो कांग्रेस थी वो सिर्फ बड़े बड़े लोगों के हक की डिमांड्स के बारे में बात नहीं कर रही थी, वो सिर्फ प्रोफेशनल्स की, जमींदार्स की डिमांड्स के बारे में बात नहीं कर रही थी, जबकि वो ऑल इंडिया कॉमन पीपल, पोअर पीपल, हर एक इंसान को अपने साथ लेके चल रही थी, हर एक इंसान की डिमांड के बारे में सोच विचार करके उनकी डिमांड्स को गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, सो नाउ इन द लास्ट वी हैव टू डिस्कस सम एम्स ऑफ द मॉडरेट लीडर्स। ठीक है, फर्स्ट इज टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। पब्लिक के अंदर अवेयरनेस को डेवलप करना चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियंस के साथ क्या कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। ठीक है, दे पब्लिश न्यूज़पेपर्स, रोट आर्टिकल्स एंड शोड हाउ ब्रिटिश रूल वॉज लीडिंग टू इकोनॉमिक रूइन ऑफ द कंट्री। रूइन, रूइन मीन्स नाश, मतलब विनाश। ठीक है, वो न्यूज़पेपर्स में पब्लिश कर रहे थे, आर्टिकल्स लिख रहे थे कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया को विनाश की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, खात्मे की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, क्रिटिसाइज ब्रिटिश रूल इन देयर स्पीचेस, वो स्पीचेस दे रहे थे जिसमें वो क्रिटिसाइज कर रहे थे ब्रिटिश रूल को। ओके, सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन। जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, ठीक है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो अलग अलग इंडिया के पार्ट्स में सेंड कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको पता चले कि जो इंडियंस हैं वो ब्रिटिश रूल से कैसे अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, उनकी क्या क्या डिमांड्स हैं, ताकि उनकी डिमांड्स को भी कांग्रेस गवर्नमेंट तक पहुंचाए और फुलफिल करने की कोशिश करे। इन एंड ऑल दे एक्सप्रेस्ड डिमांड्स एंड मेड गवर्नमेंट अवेयर ऑफ द फीलिंग ऑफ इंडियंस। इन एंड ऑल, ओवरऑल कहा जाए तो जो कांग्रेस लीडर्स हैं वो चाहते थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उनके आइडियाज़ की रिस्पेक्ट करे। ठीक है, उनके फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करें, उनकी डिमांड्स की रिस्पेक्ट करें, और वो जाने कि जो इंडियंस हैं वो क्या फील करते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट अवेयर हो जाए फीलिंग ऑफ इंडियंस से। ये सारी जो डिमांड्स हैं ये कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाई गई बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से। आज हमने कुछ डिमांड्स डिस्कस की। ठीक है, बच्चों अगर आपको कुछ नहीं समझ आया होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, आपको अच्छे से लेसन की रीडिंग करनी है एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अच्छे से अंडरलाइन करना है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आएगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।